मुजफ्फरपुर एमपी एमएलए कोर्ट से सीओ की पिटाई मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है, उन्हें बेल मिल गया है। शुक्रवार को राजू सिंह कोर्ट में हाजिर हुए। विधायक राजू सिंह पर राजद नेता के अपहरण मामले में 25 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से वे मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। अपहरण मामले में पिछले दिनों बेल मिल गया, फिर 28 दिन बाद वो शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। राजद नेता ने अपहरण मामले में बीजेपी विधायक के साथ साथ पारू प्रमुख पति विजय पासवान को भी आरोपी बनाया था, लेकिन विजय को भी इस मामले में बेल मिल चुकी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सीओ की पिटाई मामले में विधायक राजू सिंह और अनूप कुमार सिंह को जमानत दी है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से मुझे फंसाने की साजिश की गई है। बीजेपी विधायक ने कहा कि न्याय तो मिलना ही था, हम लोग हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। राजद की सरकार अपराध के खिलाफ बोलने वालों को सताती है, सरकार उन्हें परेशान करती है। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया वो न्याय संगत और कानून के दायरे में रहकर किया। मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे न्याय मिला। पुलिस मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रही थी। राहत तो मिलना ही था और हम लोग हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और न्याय के प्रति आस्था रखते हैं, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ये तो जब जब इस तरह की सरकार आती है तो आप जानते हैं क्या होता है, कैसे लोगों को, जो लोग अपराध के खिलाफ बोलने वाले लोग हों, जो अपराधियों के खिलाफ बोलने वाले लोग हों, वैसे लोगों को दबाया सताया जाता ही है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने जो किया बिल्कुल न्याय संगत कानून के दायरे में रख के किया और मुझे अपने किए हुए कामों पर कोई अफसोस नहीं है और मुझे पूर्ण भरोसा था कि न्याय मुझे मिलेगा और मुझे आज मुझे न्याय मिला है, खुशी है। पुलिस को तो लग रहा था जैसे व्यक्तिगत मुझसे दुश्मनी है। पुलिस का जो काम करने का स्टाइल था बिल्कुल नहीं, कहीं से सही नहीं था। अब मैं कानून से बड़ी हुआ हूँ, मैं ज़रूर सीनियर पदाधिकारियों से मिलूंगा, मैं डीजीपी से मिलूंगा, यहाँ के सीनियर एसपी से मिलूंगा कि आखिर क्यों इस तरह का मेरे साथ क्यों किया गया। और यहाँ जनता सब देखती है, जनता सब देख रही है। मैं अपने लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग शांति प्रिय रहें, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, आज न्याय मिला है, इसलिए हमारे समर्थकों में हम लोगों में काफ़ी खुशी है। इसे जीत को लेकर साहिबगंज की जनता काफ़ी उत्साहित है, क्या कह रहे हैं? साहिबगंज की जनता तो खुद समझती है, साहिबगंज की जनता थोड़ी समझती है कि राजू सिंह विधायक है। साहिबगंज के हर आम आवाम समझती है कि मैं विधायक हूँ और साहिबगंज के आवाम की रक्षा के लिए, साहिबगंज के लोगों के लिए मैं दिन रात सड़कों पर रहता हूँ। और इस तरह का जो कार्य हुआ है, जिस तरह से मुझे बदनाम किया गया है, जिस तरह से गलत केसों में मुझे फंसाया गया है, अभी जो बेल मिली है जिसके बारे में आप बात कीजिएगा, तो सर्किल अफसर के बारे में सर्किल अफसर ने केस किया था। आप सोचिए कि बिहार में लगभग सारे जगहों पर सर्किल अफसर का क्या शिकायत है और उसमें भी पूरे बिहार में सबसे निचले पावदान पर मेरा सर्किल ऑफिसर था। और सर्किल ऑफिसर की जब शिकायत आएगी तो मैं सर्किल ऑफिसर को बोलूँगा नहीं, मैं उसकी पूजा तो नहीं करूँगा। हाँ, ये जो शिकायत उसने किया कि मारे पीटे, बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है। मैंने डांटा था, बोला था, गलत कामों पे अंकुश लगाया था और गलत कामों पे अंकुश लाने के कारण उस आदमी को हमसे ये हो रही थी और उनको विरोधी दल की अभी आरजेडी की सरकार बनी, आरजेडी के कुछ लोगों के संगत में जा कर के और उनके प्रभाव में आकर के उसने ऐसा किया। लेकिन न्याय है, न्याय तो मिलता ही। आगे की नहीं, जैसे पहले से था वैसे आज भी रहूँगा, कोई कुछ बदलाव नहीं। पहले भी लोगों की समस्या के लिए, लोगों के कामों के लिए सड़क पे था, आगे भी उसी तरह रहूँगा। विरोधियों के लिए क्या संदेश है? विरोधियों के लिए संदेश है कि विरोधी लाख चाल चलेंगे, एक बार नहीं कई एक बार, मुझे लगता है दसों बार से ज़्यादा ऐसा हुआ जो लोगों ने मुझे विभिन्न कुचक्रों में फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि ऊपर वाला भी है देखने वाला। विरोधी के लिए संदेश है कि अब से भी संभल जाएं, अब से भी लोगों के आम आवाम की बातों को समझें, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा की बातों को समझे, किसी के ऊपर अत्याचार न करें। अत्याचार करने वाले के ऊपर कानून तो कार्रवाई करेगी ही और मैं कानून का साथ लेकर के मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूँ।